गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रान शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। जिलेटिन का ऑफर करके ब्लास्टिंग किया जाता है कि रेलवे से संबंधित होने की वजह से हजारों यात्रियों का जीवित हानि होने का संभव। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा और दीवा से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास खाड़ी से बड़े पैमाने पर रेती निकाले जाने से रेल पटरियों को खतरा बन गया है। धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही है। इस रूट से मेल, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के जरिए लाखों यात्री सफर करते हैं, जिनके लिए खतरे की घंटी बन रही है। मुमरा के रहने वाले गणेश पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि मुमरा की खाड़ी में जेलेटिन ब्लास्ट कर रेती निकालने का काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है और खाड़ी से लगकर सेंट्रल रेलवे की रेल पटरी है, कभी भी खतरा हो सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल रेलवे और मुमरा पुलिस और ठाणे जिला प्रशासन को चेतावनी जारी की है कि ध्यान रहे, यात्री सुरक्षित रहें। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि रेलवे प्रबंधक तुरंत निरीक्षण करें और रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 25 अक्टूबर को होगी। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता गणेश पाटिल ने क्या बताया है, आपको सुनाते हैं। मुमरा और दीवा से जो रेलवे लाइन, यहाँ से रेती निकाला जाता है बड़े पैमाने में, ये खतरनाक काम है। कोर्ट में भी कुछ याचिका दायर की है, कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिया है, क्या पूरा मामला है? मैं गणेश निकन पाटिल, इधर रेती उत्खनन जो होता है रेलवे के बाजू में, उसके बारे में जो आना जाना मालगाड़ी जा रहा है, हजारों लोग यहाँ से आने जाने वाले यात्री लोग हैं, इनका जान को खतरा होने की वजह से मैंने कई बार संबंधित अधिकारियों को कंप्लेंट किया था कि ऐसा रेती उत्खनन इधर होता है, रेती उत्खनन होता है, जिलेटिन का ऑफर करके ब्लास्टिंग किया जाता है और बीच में ही इसी प्रकार से अपना कुछ रेती वालों के बोट में ब्लास्टिंग का जिलेटिन मिला था। तो होने के बावजूद कई बार मैंने कंप्लेंट किया, मगर उसके ऊपर जो ठोस कदम वो लोग ने उठाना मांगता है वो लोग ने उठाया नहीं, इसके वजह से मैं हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और याचिका दायर करने के बाद में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अपना रेलवे को भी उसमें सहभागी करके ले लो कि रेलवे इससे संबंधित होने की वजह से हजारों यात्रियों का जीवित हानि होने का संभावना है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है? हाँ, उनको भी अपना निर्देश दिया गया है कि जो उधर अवैध धंधे चालू है रेती के, वो तुरंत बंद किया जाए और उनके ऊपर एक्शन लेके अपना कार्रवाई करो करके। आपने कुछ चिन्हित किया है कौन कौन से रेलवे के साइड से जाएंगे? रेलवे के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ अपना रेती निकाला जाता है और वो हिसाब से अपना उसके फोटो भी मैंने उनको दिया है और वीडियो भी दिया हुआ है और जब ब्लास्टिंग करते ब्लास्टिंग का भी वीडियो मैंने उनको दिया हुआ है और अधिकारियों को भी दिया हुआ है। कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसका अपना आदेश दिया है अधिकारियों को कार्रवाई करो करके और ये धंधे बंद होना मांगता है। आपने इससे पहले रेलवे में भी क्या? रेलवे में भी मैंने लेटर दिया था और अभी कोर्ट ने रेलवे को भी पार्टी बना के ये किया है कि आप कार्रवाई करो करके उसके ऊपर।